गाइस गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ गाइस। सो गाइस बज चुके हैं मॉर्निंग के तो गाइस मॉर्निंग के बज चुके हैं 8 और मैंने अपना गर्म पानी पी लिया और पापा को चाय पिला दी और हस्बैंड सो रहे हैं, कोको वॉक करके आ गया अपनी और वो भी नहा भी चुका है। आज थोड़ा हम लोग काम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं आज अपने फार्म हाउस जा रहे हैं आज हम लोग बुआ के घर, तो वहाँ पे मैं मिलवाऊंगी बुआ से। तो आई थिंक आप लोग मिल चुके हैं और वहाँ पे दिखाऊंगी मैं, फार्म हाउस दिखाऊंगी। और अभी सीज़न है, अभी धान लग रहे हैं वहाँ पे, तो मैं दिखाऊंगी आपको धान कैसे लगती है गाइस और बाकी भी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बुआ बंडा रहती हैं एक्चुअली, तो मैंने अभी मशीन भी लगा दी, आवाज़ आ रही है ना, हाँ। तो मैंने कपड़े लगा चुकी हूँ, मैं बेडशीट वगैरह था धोने को, तो बेडशीट वगैरह मैं धो चुकी हूँ। अनुज को अभी उठाऊँगी और सबसे पहले मैं नहाऊँगी, अब नहा के पूजा करके ब्रेकफास्ट करके देन हम निकलेंगे। और सब था अभी तक का मेरा मॉर्निंग का रूटीन, तो मैं जल्दी से नहा के आती और मैं दिखाऊँगी आपको मैंने क्या पहना है आज। और हाँ गाइस, मेरे ना देखो पिंपल निकल आया। चलो गाइस मिलती हूँ नहाने के बाद, बाय। सो गाइस मैंने पूजा कर ली अभी, तो आप लोग भी भगवान का आशीर्वाद ले लो। हाय गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा और सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है घर पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपना मेकअप रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इजी एंड क्विक मेकअप रूटीन, मॉइस्चराइज कर दिया था मैंने अपने फेस को, देन वी अप्लाई सनस्क्रीन। तो गाइस मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, न्यूट्रीजीना का सनस्क्रीन है, SPF 50 है और मेरा ऑयली स्किन है, तो मैं ये मेरे को ज़्यादा सही लगता है अपने स्किन के हिसाब से। तो आपको जो आपका पर्सनल फेवरेट है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो अब हम लगाएंगे सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन लग गई है और लिप ग्लॉस। लैक्मे का 9 to 5 CC क्रीम, कलर है इसका बेज। तो ये हम जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया था वहाँ पे हम तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं सब लोग जाने के लिए और मैं और ये रहा मेरा आउटफिट। पापा कर रहे हैं लॉक और अनुज बैठे हैं गाड़ी में, खोको भी बैठा है, मैं दिखाती हूँ आपको एक सेकंड। काका ये रहा काका, गाड़ी तो द्वारा खड़ी की होगी, तुमने कोई गेट खुला छोड़ दिया, लाइट नहीं खोले, कोई खुला। अरे हम यहाँ पे भरवा रहे हैं डीजल। ये है कोको, सो गाइस कोको और मैं गाड़ी में हैं, पापा और अनुज अभी टेलर पे गए हैं, यहाँ पे उन्हें कुछ फिटिंग वगैरह करानी है अनुज को, इसलिए तो कोको और मैं गाड़ी में है अभी। कोको बहुत बेचैन हो रहा है ना, कोको गर्मी लग रही है हमको, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है ना, काफ़ी गर्मी हो गई है यार गाड़ी में ना। तो वो लोग अभी गए हैं, अभी आ जाएंगे तो चलेंगे फिर। और गाइस बहुत मस्ती करने वाले हैं हम लोग वहाँ पर, तो और बुआ ने ना दाल मखनी बनाई है अनुज के लिए, तो बुआ बोलती है मुझे बताना, अनुज को बताना नहीं कि खाने में क्या है। और चलो मिलते हैं, एक घंटा तो लगेगा, कम से कम 1.5-2 घंटे तो लगेंगे। बंडा से अभी 15 किलोमीटर अंदर, पापा 15 किलोमीटर अंदर है, 15
15 किलोमीटर अंदर है बुआ का घर। और ये ना जो खेत में पानी ऐसे डाल के रखा है ना, तो अब इसमें पौध लगाएंगे, मतलब धान लगाएंगे। धान अभी मैं दिखाऊंगी, अगर हमारे फार्म में लग रहा होगा ना धान, तो मैं जरूर दिखाऊंगी आपको। देखो ये लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, इसको उखाड़ेंगे, फिर एक एक करके सिंगल सिंगल जो रहता है उसको लगाएंगे। और ये फिर से आगे ढोका, यार पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ढोका ही बोलते हैं। तो मुझे यही पता है इसमें साल भर स्टोर करके रखते हैं, तो साल भर अपने भैंस गाय तो गाइस हम लोग पहुंच गए अभी फार्म। तो ये रही सारी मशीनें, और ये रहा हमारा ट्रैक्टर, और ये रही बुआ, और ये रही मेरी वाटर बॉटल। हाँ दिल ही निकल गया। ये रहे कुक्कन अंकल, नमस्ते, खाती हूँ। ये रहा हमारा गार्डन, देखो फूल कितना अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत सुंदर है यार। और ये रहा हैंड पंप, अरे छोटू सा आम भी लगा इसमें। ये रहा पुदीना, कड़ी पत्ता, और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। जामुन कितने सारे लगे हैं इसमें। तो हमने खाने में बनाया है, मतलब बुआ ने बनाया है, दाल मखनी, लच्छा पराठा एंड नान, और ये है लहसुन की चटनी, सैलेड और टीट का अचार या नान का अचार। तो बुआ ने बनाया, बहुत टेस्टी है खाने में। और बताओ अपने अपने रिव्यूज दो खाने में। दाल मखनी वेरी नाइस, अभी तो हम और भी ज्यादा मस्ती करने वाले हैं। बनाने वाला क्या तारीफ करेगा। और कोको मस्ती कर रहा है यहाँ पे, एकदम खुली सी जगह मिल गई कोको को यहाँ पे, तो बहुत मस्ती कर रहा है कोको। अभी हम फार्म जा रहे थे और कोको को लगा ना कि हम उसे छोड़ के जा रहे हैं, तो वो अनुज के साथ था और हम लोग गाड़ी में थे, तो अनुज को भी छोड़ के आ गया। और देखो कैसे भाग रहा है कोको। दिखाती हूँ यहाँ पे, देखो मैंगोज, तो ये रहे ऑर्गेनिक जामुन, ये भी हमारे पेड़ के ही हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, रुक एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये तोड़ के आम को अभी सेल करेंगे। वो रहे पापा, बुआ एंड कुक्कन अंकल, अनुज पीछे रह गए, तो अनुज है पीछे। सो गाइस हम आ गए हैं आम के बगीचों में, और यहाँ हमारे लिए लग गई है दो खटिया, खटिया में बैठ गए है ऑर्गेनिक जामुन। और यार इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, इतना मजा आ रहा है, एकदम ठंडी हवा चल रही है। और मैं और आम दिखाती हूँ आपको, अच्छा अच्छा लग रहा है ना आम के पेड़ों के नीचे बैठ के, खटिया बिछा के, कुछ बात ही कुछ और है यार। कितने भी कहीं भी चले जाओ, कितने अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में, पर ऐसी जगह की बात ही कुछ और होती है। तो पापा को भी एक आम मिला और मुझे भी एक आम मिला गिरा हुआ, यहाँ तो बहुत सारे गिरे रहते हैं आम। बहुत बड़ा बगीचा है ये, वहाँ से लेकर वो अनुज है, और यहाँ पे ये लोग जो काम करते हैं वर्कर, अभी आम तोड़ रहे, जो दशहरी आम है उसको तोड़ रहे हैं अभी। और क्योंकि अभी इसका लास्ट सीजन है, मतलब दशहरी आम का, बाकी तो रहेंगे पर दशहरी वाले का बाद सीजन है, और वहाँ पे वो लोग जो काम करते हैं यहाँ पे मैं कर रहे हैं आम की। और
अभी हमारे लिए ये खटिया जा रही है। तो गाइस देखो मैंगो मिला मुझे, और एक और अच्छी जगह लेके चलती हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह, हमारा नेचुरल स्विमिंग पूल। अभी हम इसमें नहाएंगे, अभी ठंडा ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, सब लोग नहाने को रेडी हो रहे हैं अभी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में ये तो बनता है यार। तो अभी हम इसमें नहाने वाले हैं। आम के पेड़ के नीचे ना ऐसा लग रहा है कि ठंडा एसी चल रहा है यहाँ पे, ऐसा में ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पंखे की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। पापा गए, अब कोको जा रहा है, कोको जाओ। तो गाइस एक बार तो हमने नहा लिया टिफिन में, अब हम खा रहे मैंगो। पापा अनुज अंकल तैयार हो रहे हैं अभी आने के लिए, जाओ मीठा। हाय हाय, उसको मस्ती आ गई है कोको में। सो गाइस नहा लिया हमने, और अब सब लोग गीले हो चुके थे, तो अब हम घर जा रहे हैं, और घर यहाँ से बस थोड़ा सा दूर है, तो हम सब लोग पैदल जाएंगे। सो गाइस हमने नहा लिया ट्यूबवेल पे, इतना मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया नहा के, और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, कोको ने भी बहुत नहाया। और सो यार फैमिली के साथ इंजॉय करने की तो बात ही अलग होती है। और अभी पता है यहाँ पे ना धान लग रहे हैं, तो जो ये दिख रहा है ना, ये धान की पौधी है अभी छोटी सी, तो अभी इनको निकालते हैं, फिर जाके एक एक सिंगल 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 खेत में लगाते हैं, एक एक अलग अलग करके पौधा लगाते हैं। अभी मुझे दिख नहीं रहे अपने खेत में लगते हुए, तो वरना मैं दिखाती आपको। तो गाइस मैं आपको ना धान दिखाती हूँ, जहाँ पे पौध है, पौध लगती है ना, वो जगह दिखाती हूँ, लेके चलती हूँ। देखो कितनी कीचड़ है, मैं तब भी जा रही हूँ आपके लिए, और पापा भी है मेरे साथ, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितना कीचड़ हुआ, कितना कीचड़ है खेत में, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गई है। ये रही धान, ये सारी धान ही लगी, इसको ये है ना, इसको सिंगल ऐसे करके निकालते हैं, एक एक पौधा निकालते हैं। पापा पकड़ो ना एक बार, ये देखो ऐसे, हाँ सिंगल ऐसे करके निकालते हैं, और ऐसे ही सिंगल सिंगल पूरे खेत में लगाते हैं यार, बहुत मेहनत वाला काम है, ऐसे कीचड़ वाले खेत में लगाते हैं। और देखो वहाँ पे इकट्ठा कर रखी है उन्होंने, सारे इकट्ठा करके ऐसे निकाल के इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जब जरूरत होती है इनको ही लेके जाके लगा देते हैं वहाँ पे, बाहर खोल दिया। और ये देखो सारे खेतों में अभी आपको लोग ही दिखेंगे, सब हरे भरे खेत लगे। सो गाइस देखो खेत, हाँ मेरे पैरों में भी देखो इतनी मिट्टी लग गई, बट कोई नहीं चलता है यार। गाइस देखो मेरे पैर की बिच्छी भी खो गई है, एक पैर में एक निकल गई बिच्छू। गाइस जो बोली थी ना खेत को बराबर लेवल पे करते हैं, तो ये है पटेला, पटेला बोलते हैं इसको, इसको ना पूरे खेत में घुमाते हैं ट्रैक्टर से, और फिर मतलब पूरा बराबर लेवल करते हैं जो खेत का, और फिर उसके बाद उसमें लगती है धान। तो यार बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। सो गाइस अभी बन रही है चाय, तो अभी चाय पियेंगे हम लोग। सो गाइस हम दोबारा आए गार्डन में, क्योंकि हमें आम लेके जाने थे, तो इसलिए अब हम आम लेने आए, और यहाँ पे ना बहुत सारे आम गिरे हुए थे नीचे, बहुत सारा, और वो भी ना इतने पके पके हुए आम गिरे हुए थे। तो गाइस देखो जो ये आम की रखवाली करते हैं ना ये लोग, इन्होंने अपना घर यहाँ पे बनाया है, और खाना वगैरह भी यहीं बनाते हैं ये लोग, और यहीं सोते हैं। कितना मज़ा आता होगा ना खुली हवा में सोने में इनको, और देखो क्या जुगाड़ किया भाई, ये देखो तो गाइस। पहले तो ये बात बाल्टी भर के बैठ जाते थे,
ये हमारी पेटी पैक हो रही है, हम इसको शाहजहानपुर लेके जाएंगे। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर, और बहुत अच्छा दिन था आज का, बहुत मस्ती करी यार फैमिली के साथ। ऐसा टाइम भी सबको स्पेंड करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, बहुत क्वालिटी टाइम होता है ये, और तो बहुत मज़ा आया। तो चलो अब चलते हैं अपने घर। खुश रहो खुश रहो। फिर आना चलो बाय बाय। अभी लग रहे हैं धान, और ये हमें धान कटेंगे कम से कम अक्टूबर में, मतलब 5-6 महीने की खेती होती है धान की, तो या अक्टूबर या नवंबर में कट जाते हैं। पहुंच चुके हैं अपने घर। आज का दिन बहुत इंजॉयफुल था, बहुत मस्ती करी यार हमने, और आई होप आप लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ गाइज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। I'm not afraid to die.